ही इंसान पैदा हुआ है और वक्त के साथ साथ हर इंसान बदलता है, कुछ बेटरमेंट्स आती हैं आपके अंदर, कुछ चीजें आपको वक्त के साथ साथ पता चलती है कि ये छोड़ देनी चाहिए, तो वो भी चेंज का हिस्सा है। मैं बात करी थी ब्रेक पे जाने से पहले उसामा से, कितने सारे ड्रामे डायरेक्ट किए हैं, किस ड्रामे को दिल से जब डायरेक्ट कर रहे थे तो सबसे ज्यादा मजा आया कि यार ये मैंने एक अच्छा काम किया है? देखिए, अच्छा काम तो अभी मैं समझता नहीं मैंने किया है, अभी सीख ही रहा हूं। You're being modest, you're being too modest now. Sama, you're being too modest now. I'm being honest. This is how what I feel. एक अलबत्ता ड्रामा ऐसा था मेरा जो कि मैं आई रियली really, मुझे वो कहानी पसंद थी और आई यूज टू लुक फॉरवर्ड कि आज मैंने शूट, उसका नाम था मरियम जो है वो एक मियां बीबी की कहानी था और वो बहुत इंटरवाइंड रिलेशनशिप थे उसके अंदर। हमारा एक बहुत बहुत पुरानी एक कहानी है जिसको आप रामायण कहते हैं जी, तो उसके अंदर राम और सीता की जो कहानी है वो हमने मरियम के एडेप्टेशन बनाई कि किस तरीके से उन लोग जो हैं वो उस तरीके से करते हैं, और ये एक कहानी है बेसिकली, इसमें कोई रिलीजियस इतना ताल्लुक है नहीं। हमने इस कहानी को बनाया था और वो एक दो मियां बीवी जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं उनके दरमियान शक का बीज बो दिया जाता है और उसके बाद वो कहानी कैसे डिटेरियरेट करना शुरू करती है इसकी कहानी थी। और वो कहानी करते हुए मुझे वाकई बहुत मजा आया था क्योंकि सारे होते, एक तो एक उसमें उस्मा गिलानी ने कैरेक्टर किया था जो सौतेली माँ बनती हैं, और फैसल कुरैशी ने उसके अंदर अमान का कैरेक्टर किया था, मावरा हुसैन ने उसके अंदर मरियम का कैरेक्टर किया था। वो बहुत एक खूबसूरत स्टोरी था, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग के सेशन के अंदर भी मेरी इनपुट काफी थी। हमने एक ऐसा ड्रामा बनाया था जिसमें अगर आप विलन की बातें सुने तो आपको लगेगा ये बिल्कुल सही है, ये इसकी सारी बातें सही हैं, एक्चुअली बिल्कुल सही बात कर रहा है, तो लेकिन क्योंकि दो प्यार करने वालों को वो नहीं चाहता था इसलिए आपको जो है वो बुरा लगता था। अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी कोई बुराई आपको नहीं मिलेगी, उसने जो कहा वो किया, उसने जैसा सोचा उसने सही किया, और उसके बहुत खूबसूरत डायलॉग था जो मैं हमेशा कहता हूँ या कोट करता हूँ, वो कहता है कि तुम इसलिए कुर्बानी दे रहे हो कि ये खुश रहे, और ये इसलिए कुर्बानी खुद दे रही है कि इसके वालिद खुश रहे, और वो इसलिए कुर्बानी दे रहे हैं कि ये खुद रहे, तो तुम सारे के सारे पागल रहो, कोई अपने लिए नहीं जीता। सही बात है, उससे ये पॉइंट सबक आया कि भाई अपने लिए जिंदा रहो ना, तुम्हारी सब। And that has just brought change in my life right now. जी बिल्कुल, बात कर दिया आपने। बिल्कुल, इसी पॉइंट से रिलेटेड बात मैं आपको बताता हूँ। मेरा बेटा जिम जाना शुरू हुआ है, उसने खुद मुझसे कहा था कि बाबा मुझे जिम जा, तो व्हेन ही वाज डूइंग एक्सरसाइज मैंने उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट सबक दिया और मैंने उसको आवाज़ भी बदला, तो मेरी तरफ देखने लगा, मैंने कहा आइंदा मत देखना, क्योंकि सबसे पहली मोहब्बत और सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी अपने ऊपर है, मैं या आपकी दादो या आपकी बहन या आपकी मदर सब बाद में है, आप हैं तो ये बाकी सब हैं, आप नहीं हैं तो ये नहीं है, तो अपना ख्याल सबसे पहले रखो। हाँ, कोशिश ये करो कि आपके अपने ख्याल रखने से किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आपके ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपा इतने सारे ड्रामे आप बनाए हैं, आपने देखे हैं, आप देख भी रही हैं, क्या फर्क है आज के ड्रामों में और पहले के ड्रामों में? हमारा जो इवॉल्व हुआ है अपना ड्रामा इंडस्ट्री फॉर गुड हुआ है या इट्स गोना गेट बहुत अच्छा हुआ है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये वो तो मतलब मेरा जमाना भी, अब जब मैं लिखना खत्म कर दूंगी वो गुजर जाएगा तब भी मैं इससे इराफ नहीं करूंगी कि जमाना जो है वो बहुत अच्छा है। बैसाखी माजी की बैसाखियों पर तो खड़ा नहीं रह सकता। बिल्कुल, तो ये कहना कि हमारे जमाने के बहुत अच्छे थे और आज के जमाने में खराब है, ये तो उन लोगों का काम है जिनके पास आज करने के लिए कुछ नहीं है, वो कल करके खत्म हो गए, वो इसलिए आज के ड्रामों को ये कहते हैं। अगर आज वो खुद कर रहे होते, दिख रहे होते, तो वो कभी भी नहीं कहते कि आज के ड्रामे खराब है। खराब है, तो ये तो खैर उन लोगों की कहानी है जो आज भी बैठ के कह रहे होते हैं, आज भी मैंने देखा, तो वो आज के ड्रामों को बुरा कह रहे हैं। अच्छा, अपने पास लिखने को कुछ नहीं है। अच्छा, आपका कोई अगर आपको जैसे आपको सुनने में आया है कि यार ये राइटर मेरे बारे में ये बोल रही थी कि मामा अच्छा नहीं बना या कुछ ऐसा, एनिमोसिटी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कभी होता है? यार कभी, यार मैं जब आई हूँ 1998 में, सोच लो ना, मगरमच्छ बैठे थे चारों तरफ, उनमें मैं निकल के आई हूँ, मैंने तो उनकी बातों उन्होंने कम किया, आज तक बातें करते हैं वो कि मैंने ड्रामा खराब कर दिया। मैंने ऑन एयर कहा, मैंने कहा ओके ठीक है जी, मैंने ड्रामा खराब किया, अब माशाल्लाह आप लोग हयात हैं, अच्छा ड्रामा लिख दे, मुझे घर बिठा दी, प्रॉब्लम क्या है भाई उसने? मैंने लिफ्ट ही नहीं कराई हूँ जो मैं आज तक खड़ी हूँ, और जब तक मुझे लिखा जाएगा मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि मुझे लोगों की बातें मेरी जिंदगी नहीं बदल सकती। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद बदल सकती हूँ, ठीक, मैं जब चाहूंगी जब बदलूंगी अपने आप को, बाकी ये कि आप कहती रहिए या आप कहते रहे कि आज का ड्रामा खराब हो गया, हमारे जमाने में ड्रामे, उनके जमाने में अगर गलियां सुनसान होती थी
तो उसकी वजह ये थी कि आबादी बहुत कम थी, कराची पोर्शन एक बार तो खत्म हो गया था, यूनिवर्सिटी रोड ही नहीं थी।